भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या वतीने बेरोजगार जोडो यात्रा काढण्यात आली। राजापेठ येथून ही यात्रा निघाली। बेरोजगार जोडो यात्रेने जयस्तंभ चौक मालवीय चौक मार्गे जिल्हा कचेरीवर धडक दिली। सरकारी उद्योगांचं खासगीकरण थांबवा, EVM मशीन का शिकार मैं भी बेरोजगार, सरकारी भरती लागू करा, अशा घोषणा मोर्चेकऱ्यांनी दिल्या। या घोषणांचे फलकही मोर्चेकऱ्यांच्या हातात होते। स्वातंत्र्यानंतर बेरोजगारी वाढली आहे असा आरोप करून भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या वतीनं बेरोजगार जोडो यात्रा काढण्यात आली। राजापेठ येथून ही यात्रा निघाली। राजापेठ राजकमल चौक जयस्तंभ चौक मालवीय चौक इरविन चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकली। आजही 40 कोटी युवा बेरोजगार आहेत। दरवर्षी बेरोजगारी ही वाढतीच आहे। सरकारी क्षेत्राचं खासगीकरण केल्याने ही बेरोजगारी वाढल्याचा आरोप भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा आहे। सरकारी रिक्त जागा भरल्या जाव्या, दरवर्षी कमीत कमी 2 करोड युवकांना रोजगार मिळावा आदी विविध मागण्यांसाठी बेरोजगार जोडो यात्रा काढण्यात आली। आपल्या मागण्यांचे फलक हातात घेऊन यात्रेतील मोर्चेकऱ्यांनी घोषणा दिल्या। मेरा नाम सिद्धांत मौर्य है, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली से है। ये भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले हम लोग देश के 11 राज्यों में बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकालने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि इस देश में 2014 की सरकार बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2014 के दौरान कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे। जिस नरेंद्र मोदी ने वादा किया था युवाओं को कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मगर आज वर्तमान में CMI की रिपोर्ट 2022 सितंबर की बताती है कि जिन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने 1,40,00,000 नौकरियां समाप्त कर दी। नौकरी देने की दूर की बात है, ऐसी हालात हो गई। और ये नौकरी ना मिलने की वजह से आज विद्यार्थी आत्महत्या करने को मजबूर है। NCERB की रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 में 1,64,000 युवाओं विद्यार्थियों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर है। ये मजबूरी की वजह से ये जो हालात बनी है, सामूहिक हत्या करने का जो हालात बना हुआ है, इस पर किसी को भी चर्चा करने का नहीं उठा रहा है। ना तो हमारे आमदार खासदार इसको बोलने को तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने तय किया कि जो चर्चा नहीं करना चाहता है तो हम खुद सड़क पर उतरेंगे और भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले देश के 11 राज्यों में हम लोग ये यात्रा निकालेंगे और निकाल करके देश के युवाओं को जागृत करेंगे, साथ में संगठित करेंगे। संगठित करके हमारे आमदार खासदार को कानों तक जू जाए, कान में उनके जाए कि हमारे युवाओं विद्यार्थियों के साथ हमने धोखा कर रहे हैं, इसलिए हमने ये यात्रा निकाली।